अमीश देवगन को मिला अवार्ड तो जनता ने बता दी असली वजह। बहु प्रतिष्ठित एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड्स 2021 की घोषणा कर दी गई है। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के मुख्य आतिथ्य में 30 अप्रैल की शाम को दिल्ली के इंपीरियल होटल में आयोजित एक समारोह में इन अवार्ड्स की घोषणा की गई और विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर के पत्रकारों, ब्रॉडकास्टर्स और मीडिया एग्जीक्यूटिव ने भाग लिया। न्यूज 18 इंडिया के अमीश देवगन को बेस्ट एंकर हिंदी का खिताब दिया गया। इसके बारे में उन्होंने ट्वीट के माध्यम से बताया, एडिटोरियल लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए सभी दर्शकों का शुक्रगुजार हूं। जब सम्मान मिलता है तो जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपके भरोसे पर हमेशा खरा उतरूंगा। अमीश देवगन के इस ट्वीट पर यूजर्स भी लगातार प्रतिक्रिया देते दिखाई दे रहे हैं। पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने लिखा, पत्रकारिता करने वाला एक छात्र दिखा दो अमीश देवगन भाई, जो कहता हो मुझे अमीश देवगन के जैसा पत्रकार बनना है। ईमान बेचकर आपको लोहे की ट्रॉफियां तो मिल जाएंगी, सम्मान नहीं मिलेगा। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, नफरत फैलाने के लिए भी आजकल अवार्ड मिल जाते हैं। सारा टाइम डिबेट में हिंदू मुस्लिम का जहर घोल के अवार्ड लिया जा सकता है क्या? एक और सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, अमीश भाई ये मुंह और मसूर की दाल, वैसे आपकी ईमानदार पत्रकारिता पर किसी को लेश मात्र भी शक नहीं है। मेरी दुआएं हैं आप ऐसे ही अपने मालिकों का भरोसा जीतते रहे और लोगों की गालियां खाते रहे। एक और सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, जिसने ईमान बेच दिया वो पत्रकार कैसे हो सकता है? ये पत्रकारिता की मौत का जश्न अवार्ड है। आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि मीडिया जगत से जुड़ी हर वायरल न्यूज आप तक पहुंचती रहे।